सोनभद्र शाहगंज में पीपरी गांव के पास आज अनियंत्रित होकर प्राइवेट बस पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार 10 यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को CHC भेजा, जहां सभी घायलों का प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रॉबर्ट्सगंज भेज दिया गया। बता दें कि मिर्जापुर की तरफ से आ रही प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद बस में चीख पुकार मच गई। घटना शाम 6 बजे के आसपास की बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर लोगों की मदद से स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा, जहां सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बस पलट गई थी, जिससे काफी यात्री घायल हुए थे। यहाँ पे जिला अस्पताल में कितने लोग आए हैं और कितने लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है? हमारे जिला अस्पताल में 17 लोग आए हैं, जिनसे कि 4 लोगों को एडमिट कर लिया गया है। बाकी सबको की चोटें थी, उनको मलहम पट्टी करके उनको जो दवा भी दे दी गई है ना? और जो भर्ती उसमें कोई इतना सीरियस नहीं है कि मतलब कोई जान का खतरा हो, वो भी ठीक है।